my dear students of class 10, today I will teach you chapter 1, the rise of nationalism in Europe. Previous video में मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो कुछ भी चेंजिंग आई थी वो सारी चेंजिंग के बारे में मैं बताई थी. वैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी तो आप 9th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यानी कि 1789 के बाद भी वहाँ दो दो रिवॉल्यूशन होते हैं. तो 1789 के बाद वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा कौन कौन से स्टेप, इट मीन्स इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाए गए थे, उन सारे स्टेप्स के बारे में मैं बता चुकी थी. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो 360 डिग्री के एंगल पे घूमती है. 360 डिग्री के एंगल पे क्यों घूमती है? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि 360 मैं इसलिए कह रही हूँ कि मोनार्की सिस्टम से शुरू होती है, मोनार्की सिस्टम से शुरू होती है, और मोनार्की सिस्टम से आगे बढ़ते बढ़ते या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम पे आती है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम से आगे बढ़ती है तो फिर डेमोक्रेसी पे अटक जाती है, और डेमोक्रेसी से फिर आगे बढ़ती है तो पुनः ये डिक्टेटरशिप, यानी कि डिक्टेटरशिप यानी मोनार्की सिस्टम का ही एक पार्ट है जो पुनः वो डिक्टेटरशिप यानी मोनार्की सिस्टम को ले आती है. तो कहने का मीनिंग है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक 360 डिग्री के एंगल पे ये घूमते नजर आती है. जो ये 360 डिग्री पे लाने वाले व्यक्ति यानी डेमोक्रेसी को नेस्त नाबूद करने वाले यानी डेमोक्रेसी को छत बिछत करने वाले व्यक्ति वो थे आपको नेपोलियन. यानी नेपोलियन दोबारा से यहाँ पे वो मोनार्की सिस्टम इट मीन्स डिक्टेटरशिप को वो ला चुके थे. तो अब हम देखेंगे कि नेपोलियन के चलते चलते फ्रांस में क्या क्या सब चेंजिंग आती है. ये कोई जरूरी नहीं है कि नेपोलियन ने जितने सारे स्टेप उठाए होंगे वो सारे स्टेप गलत ही होंगे. कुछ स्टेप उन्होंने ऐसे भी उठाए जो वहाँ के पीपल के हित में था, वेलफेयर में था, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप वो उठाए जो बिल्कुल एक नेशन के लिए गलत साबित हो गया. तो अभी हम जो इस वीडियो में हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो नेपोलियन के चलते फ्रांस में क्या क्या चेंजिंग आती है, यानी कि नेपोलियन की जो चेंजिंग होगी उसमें दो फेज होते हैं. उसमें एक फेज होते हैं गुड एस्पेक्ट और दूसरा होते हैं बैड एस्पेक्ट. तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं दोनों पॉइंट को ले रही हूँ, गुड एस्पेक्ट एंड बैड एस्पेक्ट. वैसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट वाज द मेरिट्स ऑफ नेपोलियन या व्हाट वाज द डिमेरिट्स ऑफ नेपोलियन या नेपोलिक कोड, ये सब भी कहा जाता है. तो अब इसमें मैं दोनों पॉइंट को ले रही हूँ जिसमें मैं अलग अलग की हुई हूँ कि कौन उसके मेरिट्स है कौन उनके डिमेरिट्स है. तब यहाँ पे एक एक करके चेंजिंग को समझेंगे. पहला इसमें है कि एबोलिस्ट फ्यूडल सिस्टम, यानी कि इसने सर्वप्रथम वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम को हटाया. फ्यूडल सिस्टम इट मीन्स पीपुल और मोनार्क के बीच के जोड़ने वाली जो कड़ी होती है फ्यूडल सिस्टम, ये इस प्रकार से टैक्स को इंक्रीज कर देते थे जिसका बोझ वहाँ के पीपुल पर पड़ता था. और ये भी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जान चुके हैं कि जो भी टैक्स पेई होते थे वो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, फर्स्ट सेकेंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे. तो ये जो भार पड़ता था फ्यूडल सिस्टम का, जो टैक्स इंक्रीज होता था, ये भार किनके ऊपर आ जाता था? ओनली फॉर थर्ड स्टेट के ऊपर. तो इस सिस्टम को ये लोग हटा दिए. सेकेंड है फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, यानी कि सर्फडम कहा जाता है बंधुआ मजदूर,
बंधुआ मजदूर की तरह उनसे पीजेंट से काम लिया जाता था। इन चीजों को वो लोग हटा दिया और मैनोरियल ड्यूज कहा जाता है, जागीर में जो हवेली होती उन पर जो कुछ टैक्स ली जाती थी, तो इन दोनों चीज को वो एबोलिश किए हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव्ड। अब एक नेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए वहाँ गुड कम्युनिकेशन या गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना अति आवश्यक होता है, इसीलिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव्ड किए थे। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर इम्प्रूव्ड। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि जैसे कि जो नए नए ट्रेडर होते थे वो टाउन में जब वो ट्रेड करना चाहते हैं तो गिल्ड जो उसका एक कम्युनिटी होती है उन पे रोक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीटर ट्रेड में हो जाते हैं तो उनका बेनिफिट घट जाता है, इसलिए नए नए ट्रेडर को गिल्ड लोग, गिल्ड्स की जो कम्युनिटी होती थी उनमें प्रवेश करने नहीं देते थे, जिससे गिल्ड रिस्ट्रिक्शन एक बनी हुई थी वहाँ पे, और जिसके चलते नए नए ट्रेडर को टाउन एरिया में डेवलपमेंट करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो वो लोग बार बार वहाँ से हट के रूरल एरिया में या कंट्री साइड में अपना ट्रेड करते थे, जिससे क्या होता था कि ट्रेड का जो डेवलपमेंट जिस रैपिडली मूवमेंट में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती थी, इसीलिए इन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी हटाए। फिर नेक्स्ट है ट्रेड बैरियर्स वेर रिमूव्ड। अब ट्रेड बैरियर यानी कि वहाँ के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर भी कुछ टैक्स बंधे हुए थे जिसके चलते ट्रेड फ्रीली आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो ट्रेड बैरियर को भी लोग नेपोलियन ने रिमूव्ड किए। फिर है स्टैंडर्ड वेट एंड मीजर्स, यानी कि वेट और मीजर की पहले फ्रांस में क्या स्थिति थी, जैसे कि मान लीजिए एक जगह से आप दूसरे जगह जा रहे हैं तो उसका वेट चेंज हो जाता था। सपोज अगर कोई सामान यहाँ पे हम 1-5 kg खरीदते हैं तो दूसरे जगह वो जा करके 8 kg या 4 kg हो जाता, मतलब उसका वेट जो है वो डिफर कर जा रहा था, तो जिससे ट्रेडर को इस वेट और मीजर्स में काफ़ी दिक्कतें होती। अब कोई चीज़ वेट करने वाला है तो वेट कर लिया, कोई चीज़ मापने वाला है तो उसमें माप की जो इकाई थी वो भी बदल जाती है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है कि कितना कितने माप लिया जाए आगे जगहों पे कितने हो जाती है, तो ये वेट एंड मीजर्स को भी एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट, और नेशनल करेंसी को भी एक बना दिया गया, जबकि वहाँ पे 30 types के करेंसी मौजूद थे, तो उन सबको हटा करके सिर्फ यानी कॉमन नेशनल करेंसी को वहाँ फैसिलिटेट किया गया। फिर है यहाँ पे प्रिविलेज वार एबोलिस्ट। प्रिविलेज, ये प्रिविलेज जो विशेषाधिकार मिलते थे ये बाय बर्थ मिलते थे, और ये सिर्फ फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के पीपल को मिलते थे, तो ये प्रिविलेज को हटा दिए गए कि अगर प्रिविलेज रहेंगे तो सिर्फ फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेट के लोग तो नहीं बढ़ सकते, इसीलिए इस प्रिविलेज को, विशेषाधिकार को हटा दिया गया। एंड इस्टेब्लिश्ड इक्वली बिफोर लॉ, और कानून के समक्ष में सारे पीपल को समान कर दिया गया। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और उनको राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया गया। अब नेक्स्ट का है सेंसरशिप। अब देखेंगे यहाँ तक का यानी 1 से लेकर 7 तक के जो पॉइंट हैं, मैं अभी जो बता रही हूँ ये पॉइंट उनके गुड एस्पेक्ट के हैं, ये सारे पॉइंट यानी कि ये उनके मेरिट पॉइंट हैं। अब जो इसमें 4 पॉइंट हैं नीचे, ये चारों
पॉइंट इनके डिमेरिट्स पॉइंट है, यानी कि बैड एस्पेक्ट के हैं। जैसे सेंसरशिप, सेंसरशिप कहते हैं कि वैसी चीज, बहुत ऐसी चीज थी जिन पे कि वो रोक, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, या आपको कुछ बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ लिखने की स्वतंत्रता है, या कोई बुक आपको पढ़ने की, तो ये कुछ सेंसरशिप इस प्रकार के बुक या पेपर पे लगा दिए थे, न्यूज़पेपर पे, ताकि वैसे न्यूज़ कॉमन पीपल के पास नहीं पहुंच पाए जो कि एक राजा के प्रति या नेपोलियन के प्रति कुछ क्रिटिसाइज हो साम्राज्य में। तो वैसे वैसे चीज़ों पे ये सेंसरशिप को लागू कर दिए थे। नेक्स्ट है नो प्रॉपर्टी राइट, नो राइट टू वोट फॉर वुमन एंड स्लैब्स, यानी कि वुमन और स्लैब्स के लिए ना तो उनको प्रॉपर्टी राइट दी गई और ना ही उनको वोटिंग राइट दी गई। इट मीन्स वुमन और स्लैब्स दोनों को इन दोनों राइट्स से अलग रखा गया, जो बहुत ही गलत है। नेक्स्ट है टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी कंपल्सरी, और फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करना, प्रत्येक फैमिली से एक मेंबर को जाना अति आवश्यक कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी साम्राज्य जितनी मिलिट्री पावर उनकी स्ट्रांग रहेगी तो वो राष्ट्र उतना ही स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए ये अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली से एक एक पीपल को फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करना कंपलसरी कर दिए थे, और इसके लिए वो क्या कर दिए थे, टैक्स को इंक्रीज कर दिए थे। क्योंकि अब बड़ी आर्मी बनेगी, तो बड़ी आर्मी बनेगी तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च लगेगा। तो इन सब के चलते, यानी कि इन सब के मेंटेनेंस के लिए वो टैक्स को इंक्रीज कर दिए थे। तो एक तो पहले से ही वहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस मौजूद थे, ऊपर से टैक्स बढ़ गई है, तो अब क्या होता है कि लोग नेपोलियन को बहुत ही लग रहा था कि अब ये चेंज होने की स्थिति में है, जिसमें इसमें रसा पर्सिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन चार ऐसे कंट्री हैं जो आपस में मिल करके, हम पढ़े थे कि 1815 में इनको वाटरलू की लड़ाई में इनको पूरी तरह से पराजित कर दिया गया था। तो ये आपको थे नेपोलियन के नेपोलिक कोड के तहत, यानी नेपोलिक कोड जो 1804 नेपोलिक कोड यानी 1804 में जो नेपोलियन के द्वारा निकाला गया था, तो उसके ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एरिस्टोक्रेट जो उनका क्लास है, एरिस्टोक्रेसी क्लास एंड मिडिल क्लास के बारे में बताऊंगी।